नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दिशा परीक्षण। ये सभी एग्जाम जो आपके एनएम जेएनएम जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, या फिर जीआईसी के लिए आप तैयारी करते हैं, या केवीएस पीजीटी के लिए, या फिर आप जो है यूजीसी नेट के लिए, एनडीए नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर जगह ये पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं इतनी आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, इतना आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन तो गलत होगा ही नहीं। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखें। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन के बारे में समझते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से मुख्य रूप से चार दिशाएं होती है। कौन कौन सी दिशाएं होती है? इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, और इधर ये साउथ होता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। लिखते बहुत लोग की प्रॉब्लम होती है कि सर हिंदी में बताया करिए। पूरब होता है, ठीक है। इधर क्या होता है? पश्चिम होता है, और इधर होता है उत्तर, और इधर होता है नीचे की तरफ दक्षिण, ठीक है। तो जब भी आप नोटबुक पे बनाते हैं तो आपको इसी तरह से बनाना होता है, सबसे ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, और ये दायां हाथ होता है तो दायां हाथ की तरफ, आप अगर किसी भी तरफ मुख करके खड़े हैं तो दायां हाथ की तरफ पूरब, ठीक है, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका? ये राइट हैंड होता है, क्योंकि हम दाएं हाथ से आप सारे काम करते हैं। तो जो दायां हाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? राइट कहते हैं, क्योंकि राइट और लेफ्ट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और जो बायां होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट कहते हैं। तो दायां का मतलब राइट और बायां का मतलब क्या होता है? लेफ्ट होता है। तो आप इसको ध्यान रखें। चलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और एक दो चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा वामावर्त और दायां, वामावर्त और दक्षिणावर्त सुना होगा आप लोगों ने। तो चलिए वामावर्त और दक्षिणावर्त भी हम लगे हाथ समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, दो लोग हैं और ये ऐसे आ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे कुछ दूर चलता है और अपने दाएं घूम जाता है, यानी कि दाएं कहें या आपका है राइट हैंड साइड मूव कर जाता है, तो अगर दाएं घूमेंगे तो किधर जाएंगे? इधर ही तो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप खड़े हैं तो दाएं हाथ ये है तो दाएं तरफ जाएंगे, और अगर बाईं तरफ घूमना होगा तो किधर जाते? इधर जाते, ठीक है। तो दाएं तरफ घूमते या बाईं तरफ घूमते, अगर यहाँ कहा जाए कि वो फिर से अब यहाँ पे खड़ा है, उसका फेस इस तरफ है, तो फेस यहाँ हमेशा देखते हैं, फेस हमारा इधर है, तो ये आपका इधर क्या हो गया? लेफ्ट, और नीचे क्या हो गया? राइट, यानी नीचे की तरफ आपका क्या हो गया? दाया हो गया। तो फिर से अगर दाएं तरफ घूमना है तो किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो गया है। फिर अगर आपसे ये कहा जाए कि फिर यहाँ से वो अपने दाएं घूमता है, तो अब आप जब ऊपर की तरफ जाता है तो आप आसानी से लेफ्ट राइट देख लेते हैं दाया बाया, लेकिन अब नीचे है तो आप अपना सर नीचे थोड़े ना करेंगे। तो आप इसको ऐसे देखिए, आप इस तरफ अगर नीचे की तरफ से अगर दाएं घूमेगा तो ये फिर किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखें कि ये क्या बन गया, एक ये सर्किल बन गया ना, एक सर्किल में मूवमेंट हो रहा है। इसको कहते हैं क्लॉक वाइज। क्या कहते हैं? क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में, और इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं इसको? दक्षिणावर्त, ठीक है। तो दक्षिणावर्त में अगर कंफ्यूजन हो तो आज आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं, जब बाईं तरफ आप बार बार घूमते हैं तो क्या होता है? तो ये ऊपर की तरफ गया और अपने बाईं तरफ, यानी कि बाएं हाथ की तरफ हो गया, फिर बाईं तरफ घूमेगा तो कहां जाएगा? तो ये अपने हाथ से नीचे की तरफ जाएगा, और फिर बाईं तरफ घूमेगा तो किधर जाएगा? फिर जहां से चला था वहीं पे पहुंच जाएगा। तो अगर आप कभी गुम हो जाए दोस्तों ना, तो आप क्या करेंगे? आप एक ही दिशा में अपना हाथ तो जानते ही हैं ना, कहीं भी खड़े हो, ये आपका दायां हाथ, ये आपका बायां हाथ, जो भी दो सड़कें आए चौराहा है, तो आप अगर अपने दाएं ओर ही हर बार घूमते चले जाए या हर बार बाईं ओर घूमते चले जाए, तो आप घूम फिर के कहां पहुंचेंगे? वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने चलना शुरू किया था, ठीक है। तो समझ गए। तो अब देखिए, ये इधर घड़ी की सुई की दिशा के उल्टा दिशा में घूम रहा है, ये उल्टा घूम रहा है ना। घड़ी जो आपकी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे ऐसे घूमती है इस दिशा में, और ये क्या हो गया? एंटी क्लॉक, यानी कि घड़ी की दिशा के उल्टा, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? एंटी क्लॉक वाइज, या इसको कहते हैं वामावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
वामावर्त, और इसको क्या कहते हैं दक्षिणावर्त, इसको वामावर्त इसको दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में क्या होगा दक्षिणावर्त, या इंग्लिश में कहेंगे तो क्लॉक वाइज, इंग्लिश वाला तो सबको याद रहता है, हिंदी वाले में आप गुम हो जाते हैं। तो चलिए इसी तरह से अब हम समझने की कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन को लेकर। अगर मैं आपसे कहूँ कि राम निकलता है अपने घर से, कुछ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, राम अपने घर से निकलता है, कुछ दूर चलता है उत्तर की ओर, किधर चलता है उत्तर की ओर, इसके बाद ये क्या कर रहा है अपने किधर घूम गया दाई ओर घूम गया, दाई ओर घूम के कुछ दूरी पे चला, ठीक, फिर कुछ दूर जाने के बाद अपने दाई ओर घूम गया, तो दाई ओर घूमेगा तो घड़ी की सुई की दिशा में, फिर दाई ओर घूमा तो फिर इधर घूम गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब वह कहां पे खड़ा है, तो जहां से चला था वहीं पे खड़ा हो गया। इसी तरह से इसमें भी अगर आप बार बार एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त जैसे कहते हैं ना, गोल गोल घूम के आप वहीं पे आ गए। समझ गए आप लोग? तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ भी समझा दूंगा। देखिए जो पूरब है और जो उत्तर है इसके बीच कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। उत्तर और पश्चिम के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, यहाँ भी 90 अंश का, क्योंकि ये क्या बनता है, ये समकोण बनता है। फिर इन दोनों के बीच में कितना बना, 90 अंश का, फिर इन दोनों के बीच में भी 90 अंश का, यानी कि सभी में 90-90 अंश का कोण बनता है। अगर आप एक दिशा से दूसरे दिशा में घूम जाते हैं तो आपने कितने डिग्री घूमा, अगर आप पूरब की तरफ थे, अगर आप उत्तर की तरफ पहुंच गए तो आपने कितना घूमा, 90 डिग्री, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुंच गए तो 90 डिग्री घूमा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुंच गए, कितना घूमे, 180 डिग्री, आप इधर थे, यानी कि 180 डिग्री एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर आप पूरब जा रहे थे, घूमते घूमते अगर पश्चिम की तरफ पहुंच गए तो आप 180 डिग्री घूम गए, और अगर आप घूम गए तो यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो 9×18=27 270 डिग्री घूम गए, और अगर पूरा घूम गए तो कितना घूम के आप आ गए, 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री आप घूमते हैं तो पूरा वहीं पे पहुंच जाएंगे जिस दिशा में आप थे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि कोई कोई बालक जा रहा था और वो पहले जा रहा था पूरब की दिशा में और वो घूमते घूमते उत्तर की दिशा में पहुंच गया, तो उसने पूरब से अगर उत्तर में पहुंच गया तो कुल कितना डिग्री घूमा, वो 90 डिग्री घूमा, ठीक है। या फिर पूछ सकता है आपसे कि राम ने यहां से चलना शुरू किया, किसी बिंदु से चलना शुरू किया, ठीक है, और वो जो है उत्तर की ओर गया मान लीजिए, ठीक है, उत्तर की ओर जाने के बाद वो फिर कहां घूम गया, कुछ दूर गया, उसके बाद फिर से वो उत्तर से कहां घूम गया, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इधर हो जाएगा, यहां से चला जाएगा पश्चिम की ओर चले, ठीक। फिर अगर आपसे कहता है कि वो पश्चिम से कुछ दूर चलता है और कहां पहुंच जाता है, उतनी ही दूरी चलता है जितनी ये चला था उतना ही चल के फिर वो दक्षिण की ओर आता है, तो अगर आपसे पूछे कि अब वह किस दिशा में खड़ा है, यानी कि जो पहला इनिशियल पॉइंट था वहां से वो किस दिशा में खड़ा है, तो आप क्या देखेंगे, ये यहाँ पे था, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये पश्चिम दिखेगा ना, ये इधर खड़ा है पश्चिम दिशा में खड़ा है। तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसके लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन नोट करता हूँ फिर मैं सॉल्व करता हूँ। अब हम लोग इसी के आधार पर इस चार्ट को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, इसको समझ गए तो आपको जो लेफ्ट राइट वाली प्रॉब्लम होती है उसमें समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है, इधर खड़ा है इस तरफ मुंह करके, अगर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर ऊपर होता है ना, तो अगर ऊपर की ओर मुंह करके खड़ा है और हम कहें वो दाएं घूम गया, इधर घूम गया दाएं, चलिए मैं यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ जो मैंने अभी कराया था उसी को, तो दाएं घूमेगा तो अब उसकी दिशा किस तरफ हो गई, तो उसकी दिशा किधर हो गई, पूरब की तरफ हो गई, किधर हो गई, पूरब यानी कि ईस्ट साइड में, और अगर वो बाएं घूमेगा तो उसकी दिशा किधर हो गई, अगर वो बाएं यानी कि लेफ्ट साइड में घूमता है तो उसकी दिशा किधर हो गई, इधर क्या होता है पश्चिम होता है, उत्तर की तरफ था, यहां से अगर इस तरफ घूमा तो उसकी दिशा क्या हो गई, पश्चिम हो गई, पश्चिम मतलब वेस्ट हो गया। चलिए अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये तो उत्तर की तरफ मुंह किए था, अगर ये व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह किया, इधर मुंह किया है दक्षिण की तरफ, यहां से अब दक्षिण की तरफ मुंह किया है, और अगर ये अपने दाएं घूमता है तो ये देखिए ये हाथ में यहां इसको दाएं घुमाया था और इसको बाएं घुमाया था,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपना दाया हाथ और अपना बाया हाथ देखते हैं। तो आपका सर जिधर होगा तो आपने दाया हाथ घुमाया था, इधर घुमाया था, बाया हाथ जिधर घुमाया था। अगर इसमें अगर नीचे की तरफ सर किया है तो अब आप घंटा खड़े हो जाइए, फिर आप अपना दाया बाया देखिए, क्यों खड़े होकर देख सकते हैं, या फिर आप उसका उल्टा करिए। तो आप क्या करेंगे, अगर नीचे की तरफ को जा रहा है दक्षिण की तरफ, तो जो इसका दाया था वो उसका बाया हो जाएगा। कैसे समझिए इसको, अगर दक्षिण की तरफ मुंह किए हैं तो उल्टा होकर सोचिए आप कि आपका दाया हाथ कौन सा है, इधर या इधर। अगर आपको दाईं तरफ घूमना है तो आप किधर घूमेंगे, इस तरफ घूमेंगे ना, ये आप किस तरफ घूमेंगे, ठीक है। और बाईं तरफ अगर आपको घूमना है तो किधर घूमेंगे, ऐसे अगर दक्षिण की तरफ है और बाएं घूमना है तो इधर घूमेंगे, ठीक है। देखिए जब आप उत्तर की तरफ थे ये आपने घूमा दाएं और ये किधर घूमे बाएं, जब आप उत्तर की तरफ चल रहे थे तो आपका दाया किधर जा रहा था, इधर जा रहा था। लेकिन जब आप दक्षिण की तरफ किए होंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा, आप किधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। और इसी तरह से अगर आपको बाएं घूमना है तो आप किधर घूमेंगे, किस तरफ घूमेंगे, और यहाँ बाएं किधर घूम रहे थे, सीधा हम हाथ करके देख लेते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अब अगर दाएं घूमते हैं दक्षिण की तरफ मुंह किए हुए खड़े हैं तो दाएं घूमेंगे तो किधर दिशा हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पश्चिम। पश्चिम का मतलब वेस्ट हो गया। और अगर आप बाएं घूमते हैं, इधर देखिए बाएं घूमते हैं तो आपकी दिशा किधर हो जाएगी, पूरब हो जाएगी, यानी कि ईस्ट की तरफ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अगर आप पूरब की दिशा की तरफ सर किए हुए खड़े हैं, इधर खड़े हैं पूरब, तो पूरब किधर होता है, किधर होता है ना, तो आप पूरब की तरफ अगर सर किए हुए खड़े हैं और आपको दाएं घूमना है तो आपका दाया ऊपर, सॉरी दाया नीचे होगा और बाया किधर होगा, ऊपर होगा। तो आप दाएं घूमना है तो कहां जाएंगे, नीचे। नीचे का मतलब क्या हो गया, दक्षिण। दक्षिण का मतलब साउथ की तरफ, ठीक है। और आपको अगर बाएं घूमना है, बाएं घूमना है तो बाएं अगर आप इधर की तरफ मुंह किए हुए खड़े थे और यहां से आपको बाएं घूमना है तो दाया हाथ नीचे, बाया हाथ ऊपर, तो आप किधर जाएंगे, बाएं ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे बाएं ऊपर की तरफ जाएंगे। ये शायद कुछ लोगों को दिख ना रहा हो, एक मिनट में देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये शायद दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ। अगर आप किधर खड़े हैं दोस्तों, पूरब की ओर खड़े हैं, किधर खड़े हैं, पूरब की ओर खड़े हैं, पूरब की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं ऐसे, ठीक है। और आपको किधर घूमना है, दाएं घूमना है, तो आपका दाएं किधर होगा, दाएं नीचे की तरफ हो जाएगा, किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दक्षिण लिख दिया, ठीक है। और अगर आप बाएं घूमते हैं तो दाएं नीचे है तो बाएं किधर होता है, ऊपर होता है। और अगर आप बाएं घूमते हैं तो आपकी दिशा क्या हो जाती है, उत्तर हो जाती है। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ, क्लियर। अब देखिए अगर आप पश्चिम की दिशा में मुंह किए हुए खड़े हैं, पश्चिम किधर होता है, पश्चिम जो होता है वो, अब मैं यहां पे बना दे रहा हूं, यहां पे पश्चिम की तरफ अगर आप खड़े हुए हैं दिशा करके तो आप कहां पहुंचेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। और देखिए पश्चिम किधर होता है, तो उसको इधर होता है, आप पश्चिम की तरफ मुंह किए हुए खड़े हैं। अब आपको किधर जाना है, दाएं जाना है, तो आप दाएं अगर जाएंगे तो अब इधर खड़े हैं तो आपका दाया ऊपर होगा और बाएं किधर होगा, नीचे होगा। तो आप दाएं जाएंगे तो किधर चले जाएंगे, ऊपर। और ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है, ऊपर की तरफ होता है उत्तर। तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर। उत्तर का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ, ठीक है। और अब अगर आप पश्चिम की तरफ मुंह किए हुए खड़े हैं ऐसे, और अगर आपको बाएं घूमना है तो दाएं ऊपर है तो बाएं किधर होगा, नीचे होगा। तो अब आपकी दिशा क्या हो गई, दक्षिण हो गई। अब आपकी दिशा क्या हो गई, दक्षिण हो गई। तो अब आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, इस चार्ट को समझ गए होंगे। अगर आप उत्तर की तरफ मुंह किए खड़े हैं तो सीधे सीधे ब्रीफ में समझ लीजिए आपकी दिशा। अगर आप दाएं घूमेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, पूरब की तरफ। अब इसको समझने के लिए अगर आप इस वाले डायग्राम से समझने की कोशिश करें, जो हमने अभी दाया वर्ग, वामा वर्ग और दक्षिणा वर्ग पढ़ा है, तो आप समझ जाएंगे। देखिए ये क्या है, आपका घड़ी की सुई की दिशा में, और ये घड़ी की सुई की दिशा के उल्टा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणा वर्ग। इसको क्या कहते हैं, दक्षिणा वर्ग। और इसको क्या कहते हैं,
वामा वर्ग, ठीक है। ये क्या होता है क्लाक और ये क्या होता है एंटी क्लाक, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं ऊपर की तरफ और आपको दाएं घूमना है तो आप दाएं घूमेंगे, तो अगर आप उत्तर की तरफ है तो यहाँ दाएं इधर यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में तो आप घूमेंगे तो इधर एक हो जाएंगे तो आपकी दिशा कहाँ होगी, इधर से इधर जाएंगे तो पूरब में हो जाएगी। आप इसके माध्यम से तुरंत इसको समझ सकते हैं। और अगर आपको बाएं घूमना है तो बामावर घूमना पड़ेगा, तो बामावर घूमेंगे तो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं अब यहाँ घड़ी की सुई की दिशा घूमना था तो आप इधर घूमेंगे, घड़ी की सुई की दिशा के उल्टा घूमना है तो आप उल्टा घूमेंगे, तो पश्चिम दिशा में जाएंगे। और दक्षिण की तरफ अगर नीचे की तरफ जाना है, सबसे बड़ी समस्या दोस्तों नीचे की तरफ आने में होती है जब आप दक्षिण की तरफ होते हैं और आपको दाएं बाएं घूमना होता है तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ तो आपको दिखता है अपना फेस, तो आप ट्राई कर लेते हैं। इसमें ये बहुत काम आता है अगर दक्षिण की तरफ आप मुंह किए हुए पड़े हैं और आपको अगर दाएं घूमना है दक्षिण की तरफ, ये यहाँ से आपको दाएं घूमना है तो दक्षिणावर्त वाला याद रखिए, ये जो है इसको घुमा के किधर ले जाएगा, किस तरफ लेके जाएगा, तो आप यहाँ से किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे और इधर क्या होता है पश्चिम होता है, ठीक है। दक्षिण की ओर है अगर आपको बाएं घूमना है तो बाएं घूमना है तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको बाएं घूमना है दक्षिण की तरफ है तो आप वामावर्त याद रखिए, वामावर्त वाला क्या करेगा अगर आप दक्षिण की ओर है आपको उल्टा ले जाएगा यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के उल्टा है, जैसे घूमती आपको उल्टा घुमाएगा तो यहाँ से आपको उधर उल्टा ले जाएगा तो आप किधर जाएंगे और इधर क्या होता है पूरब होता है, ठीक है। और पूरब में खड़े हैं पश्चिम में खड़े हैं तब भी आप इससे समझ सकते हैं, पूरब अगर आप इस तरफ खड़े हैं, इस तरफ खड़े हैं मान लीजिए इस तरफ, ठीक है, इस तरफ आप खड़े हैं तब देखिए अगर आपको दाएं घूमना है तो दाएं घूमना है तो आप इधर है ना, तो ये जो है ऐसे है इसको ये नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा तो आप नीचे जाएंगे और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे दक्षिण की तरफ, नीचे दक्षिण होता है। और अगर पूरब की ओर है आप बाएं घूम जाते हैं अगर ये घुमाएगा तो दो ही तरीका आप शायद तो या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, तो बाएं इसकी साइड में घूमेंगे तो बाएं किधर होगा इस साइड में लेके जाएगा, तो इस साइड में क्या होता है इधर पूरब है और इधर गए तो क्या हो गया उत्तर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ये उत्तर हो गया। अब देखिए अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं इसकी दिशा अगर हम उल्टा कर दें पश्चिम और इसकी दिशा भी हम क्या कर दें उल्टा कर दें, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये जो गोला है दक्षिणावर्त आपको किधर लेके जाएगा, अगर दाएं घूमते हैं तो ये आपको यहाँ से इस तरफ ऊपर की तरफ ले जाएगा क्योंकि ये गोला आपको किधर उत्तर की ओर घुमाएगा, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे इधर पे तो ऊपर पहुंचेंगे ना, इधर ऐसे घुमाएगा तो आप पहुंच जाएंगे उत्तर की ओर। और अगर आप बाएं घूमते हैं तो अगर बाएं यानी कि इधर घूमेंगे तो कहाँ जाएंगे नीचे की ओर यानी कि दक्षिण की ओर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैंने ज्यादा समय लिया समझाने के लिए। अब हम सीधे क्वेश्चन करते हैं, समझ गए तो क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए लेकिन इसको बताने से पहले थोड़ा सा इसमें उत्तर पश्चिम आए, कृतिका उत्तर पश्चिम दिशा में गई तो अभी हम लोगों ने देखा था चार दिशाओं के बारे में बताना, ठीक है। चार दिशा क्या थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो कृतिका उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पूरा 90 डिग्री का है और अगर आप इसको 20 से विभाजित कर दें, ठीक है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो दिशा होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, क्या हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, या इसको हम क्या कहते हैं उत्तर पूर्व कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों उत्तर पूर्व कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि कीर्तिका उत्तर पश्चिम दिशा, चलिए इसको हम और आगे भी देख लेते हैं। और ये वाली जो दिशा कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, अब यहाँ पे देखिए साउथ है ना और ये वेस्ट है, इसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं। ये वाली जो दिशा होती है इसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं और ये जो दिशा होती है इसको साउथ ईस्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम हो गया, ये जो क्या हो गया दक्षिण पश्चिम हो गया, और ये क्या हो गया दक्षिण और ये पूरब हो गया दक्षिण पूरब, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कृतिका उत्तर पश्चिम दिशा में, अब उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है ना, तो अब इस दिशा में कृतिका को भेज दीजिए, कृतिका कहाँ थी यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट है और यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा यही तो कोई नॉर्थ वेस्ट,
ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में गई, फिर क्या हुआ 90 डिग्री दाई ओर मुड़ी। अब दायां क्या है, यहां पे देखिए आप, ये दायां हाथ ये वाला है ना, तो दाई तरफ घूमेगी तो इधर जाएगी, कितना घूमना है इसको 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बिल्कुल इस पर खड़ी लाइन ऐसे खींची, ठीक है, तो 90 डिग्री किधर मुड़ गई ये दाई ओर मुड़ गई यहां से, फिर 45 डिग्री बाई ओर, बाई ओर मुड़ी। अब देखिए 45 डिग्री आपको मोड़ना है बाई ओर, तो अगर इस पर आप खड़ी लाइन खींचते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये तो 90 बन जाएगा, लेकिन आपको 90 नहीं भेजना है, आपको कितना भेजना है, आपको 45 डिग्री भेजना है, तो 45 डिग्री कैसे जाएगा, ये इसके बीच से बिल्कुल जाएगा, तो ये 45 डिग्री इधर हो गया, ठीक है, तो अब ये 45 डिग्री बाई ओर मुड़ गई, ठीक है, इस दिशा में मुड़ गई। अब वह किस दिशा में अग्रसर है, अब बताइए दोस्तों ये किस दिशा में है, नीचे की ओर की जो दिशा होती है वो क्या होती है, दक्षिण होती है ना, ये कौन सी दिशा की ओर अग्रसर है, दक्षिण दिशा की ओर ये जा रही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो दीपक को आपको भेजना है उत्तर की ओर, तो मान लीजिए दीपक यहाँ पे खड़ा है, इसको किधर जाना है उत्तर की ओर, उत्तर किधर होता है ऊपर होता है ना, उत्तर की ओर इसको हमने भेज दिया, थोड़ी लाइन तिरछी हो गई, इस पे आपको ध्यान रखिएगा, उत्तर की ओर कितना जा रहा है 4 किलोमीटर जा रहा है, उसके बाद बाई ओर मुड़ता है, तो दायां हाथ इधर है और बायां हाथ किधर है, तो बाई ओर मुड़ता है, ठीक है, ये बाई ओर मुड़ गया, और बाई ओर मुड़कर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, ये 4 किलोमीटर चला था और यहाँ कितना चला 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, वह फिर बाई ओर मुड़ता है। अब देखिए दाई है बाई है, मैंने कहा था जब बार बार बाई ओर आप मुड़ेंगे ऐसे बार बार, तो आप घड़ी की सुई की दिशा से उल्टा जाएंगे, तो उल्टा जाएंगे यहाँ तक फिर बाई मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और बाई ओर मुड़ता है और कितना चलता है 10 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर था ना, तो अगर इसके सामने जब पहुंचेगा तो ये आपका 4 किलोमीटर हो गया, और इसको कितना जाना है, इसको 10 किलोमीटर जाना है और नीचे तक जाएगा, मान लीजिए पूरा लिखा हो गया आपका 10 किलोमीटर, ठीक है, और ये वाली दूरी अगर आप इसको इससे मिला दें, ये वाली इससे दूरी ये 4 किलोमीटर था, तो ये 4 किलोमीटर हो गया, अब यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है, और अंत में वह दाई ओर मुड़ता है, अब किधर मुड़ता है दाई ओर, तो दाई ओर जब मुड़ेगा तो दाया जगह नीचे की तरफ जा रहा है, हम लोगों ने चार्ट में देखा था ना, अगर नीचे की तरफ है और वो दाई ओर मुड़ता है तो दाई ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, वो इस दिशा में जाएगा, इधर जाएगा इस दिशा में, तो ये किधर पहुंच जाएगा, इधर क्या होता है पश्चिम होता है, आप अगर ऐसे ना समझ पाए तो आप देखिए दाया इधर होता है ना, तो जब ऊपर जाते हैं तो दाया इधर होता है, लेकिन जब नीचे की तरफ आप उल्टे हो जाएंगे तो आपका दाया किधर होगा, जो बाया है वो दाया हो जाएगा, तो इधर जाएगा, ठीक है, तो 5 किलोमीटर। अब वह आरंभ स्थल से कितनी दूरी पे है, तो आरंभ उसने कहां से किया था, यहां से किया था, और अब कहां पहुंचा है, यहां पे पहुंचा है, तो इसके बीच की दूरी आपको बता दिया, आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा चलिए दिख तो रहा है सबको, तो हम अब देखते हैं कि अब आपको ये वाली दूरी पता कर ली है, क्योंकि अपने प्रारंभिक स्थल से यहाँ से वो कितनी दूरी पे है, ठीक है, तो लास्ट में ये कितना चला था, 5 किलोमीटर चला था, ठीक है ना, तो अब आपको ये वाली दूरी पता कर ली है, तो ये वाली दूरी पता करने के लिए हमको इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको इससे आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तो आपने इसको मिला दिया, अब आपको कहां से ये वाली दूरी, यानी कि अगर इस वाले त्रिभुज को आप देखते हैं, इस वाले त्रिभुज को, तो इसमें आपको क्या पता करना है, ये कर्ण पता करना है। अच्छा देखिए यहां से यहां तक की दूरी ये 3 किलोमीटर है ना, तो ये भी तो 3 किलोमीटर हो जाएगी, और यहाँ पे ये कितना गया है 5 किलोमीटर इधर गया है, तो इसके सामने ये पड़ा है बिल्कुल, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, तो ये वाली पूरी जो भुजा है यहां से यहां तक, ठीक है, ये कितनी 5 और 3 कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों ये 8 हो जाएगी, मैं 8 यहाँ लिख देता हूँ, और ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक कुल वो 10 किलोमीटर चलता है और इतनी दूरी 4 किलोमीटर थी, तो जो बची वाली दूरी है कितनी हो गई 6 किलोमीटर हो गई, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर, मैं इसको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ये दूरी हो गई कितनी 6 किलोमीटर यहाँ तक, तो हमारा इसको मैं इधर साफ साफ बना दे रहा हूँ, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6, और आपको क्या पता करना है ये वाली दूरी पता करनी है, तो हम लोग इसको पता करने के लिए तरीका होता है पाइथागोरस प्रमेय का, तो उस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है
वो कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है किसी भी समकोण त्रिभुज, ये समकोण वर्ग आया ना, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, आधार का मतलब बेस और लंब का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब देखिए आपको कर्ण ही तो पता करना है, तो कर्ण हमको नहीं मालूम है, तो आप क्या लिखेंगे, आधार इसको मान लीजिए 8 का स्क्वायर कर लीजिए और लंब जो है वो 6 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि जो कर्ण का वर्ग है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो जो कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, इसका 100 का वर्गमूल निकालेंगे, और 100 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 10 होता है। तो ये वाली भुजा कितनी हो गई, 10 हो गई, ये कितनी हो गई, 10 हो गई। तो ये इसमें क्या पूछा था कि वह आरंभ स्थल से कितना दूर है, तो उसने यहां से पढ़ना चलना शुरू किया था, इधर से घूमते हुए यहां पहुंचा था, फिर यहां पहुंचा था, और आरंभ से दूरी इसकी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ में होंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको देखने से पहले देख लीजिए आप लोग उत्तर ऊपर की तरफ, ठीक है, दक्षिण नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड में पश्चिम और राइट साइड में पूरब। ठीक है, तो इस दिशा में उत्तर की ओर कुछ दूरी तय की, तो उत्तर का मतलब ऊपर होता है, जो भी आपकी कॉपी होती है रेनबुक उसमें क्या कहा जाएंगे, ऊपर की ओर, ये उत्तर की ओर इसने तय किया, तो कुछ दूरी तय की, ये हमें नहीं मालूम है कि कितनी दूरी तय की। चलिए आगे बढ़िए, वह बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर आगे चली। अब बाई ओर मुड़ रही है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये सर्किट जो है आपका, ठीक है, तो जब भी बाई ओर मुड़ना होता है तो क्या बन जाता है, वामावर्त, ये क्या बनता है, दक्षिणावर्त। ठीक है, तो जब भी बाई ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद रखिए, दक्षिणावर्त मुड़ना होता है तो घड़ी की सुई की दिशा में, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज, और ये क्या है, एंटी क्लॉक, क्या है ये, एंटी क्लॉक। ठीक है, तो देखिए वह बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, तो बाई ओर जब भी मुड़ना होगा तो आप एंटी क्लॉक, यहां जा रहे हैं यहां से एंटी क्लॉक घूमना होगा तो इधर ही तो घूमेंगे, तो 4 किलोमीटर बाई ओर मुड़कर चलती है, तो ये हो गया आपका 4 किलोमीटर। ठीक है, बाई ओर, ठीक है, ये क्या हुआ, ये दायां, ये बायां, ऐसे भी देख सकते हैं जिसको समझ में ना, वह अपने शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इसने कहां से चलना शुरू किया था, इसने यहां से चलना शुरू किया था, और इस समय कहां पे है, ये यहां पे पहुंच गए, तो ये अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो वह उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चली, ये उत्तर है ना, तो उत्तर की ओर पूछ रहा है कि वह कितने किलोमीटर चली, तो ये वाली दूरी आपको पता करनी है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा था कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के होता है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार नहीं मालूम है तो इसको क्या मानना है, x मान लेते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए, लंब जो है ये 4 किलोमीटर है, इसको आप 4 मान लीजिए, 4 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो कोई भी आधार कोई भी लंब हो सकता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो कोई भी लंब हो सकता है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको हमें हल करना है, ये कितना हो जाएगा, 25, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 16 हो गया। अब हमको x की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, x को अपनी जगह पे रहने देंगे और 16 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमने x स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने दिया और इधर क्या कर दिया, 25 माइनस 16 कर दिया, तो 25 में से जब आप 16 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा ना, तो x स्क्वायर बराबर 9 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये वाली जो दूरी हमको पता करनी थी वो कितने किलोमीटर हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। चलिए फटाफट इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, इसको समझ में नहीं आया, स्मिता ने उत्तर की ओर कुछ दूरी तय की, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, उसने कुछ दूरी तय की, हमको नहीं मालूम है, वह बाई ओर मुड़ती है तो दाहिने, अगर यहाँ पे है, अगर दाहिने मुड़ना होता तो उधर मुड़ी, बाई मुड़ना है तो
इधर मुड़ेंगे तो अपने बाई ओर, यहाँ पर आप खड़े हैं तो आपका दायां इधर है बायां इधर है, तो बाई ओर मुड़कर कितना चली, 4 किलोमीटर चली। वह अपने शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो शुरुआती बिंदु ये था और इस समय कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, तो ये दूरी 5 किलोमीटर दी है। तो आपको ये बात दूरी पता कर लीजिए, इसका फार्मूला आपको पता है, इसी फार्मूले में हमने रख के इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग बस आज इतना ही, आज हम लोगों ने सभी तरह के क्वेश्चंस को देख लिया है। अब फिर हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों आपको देखने के लिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि सबके सबका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।